Hey guys, welcome back to Indian Mom and Baby Care. कैसे हैं आप सब? I hope आप सब बहुत अच्छे होंगे. अब बहुत ही झटपट से बन जाने वाली एक और रेसिपी लेकर आई हूँ मैं आज. बहुत ही डिलीशियस लगती है, बहुत ही यम लगती है और कह सकते हैं कि बहुत ही कम तेल में, बोल सकते हैं कि दो बूंद तेल में ये जो रेसिपी है वो झटपट से बनकर तैयार हो जाती है. जैसा कि आप देख रहे हैं बहुत ही खाने में टेस्टी लगती है, तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा. तो चलिए जल्दी से इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं. यहाँ पर मैंने एक बाउल जो है वो सूजी ली है और आधा बाउल जो यहाँ पर मैंने कर्ड लिया है, इसका मेज़रमेंट यही है. और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और परफेक्ट कंसिस्टेंसी का यहाँ पर हमें बैटर बनाना है. धीरे धीरे करके पानी ऐड करेंगे, इकट्ठे पानी ऐड ना करें. और इसे क्लम्स फ्री जो है वो हमें बैटर तैयार करना है. तो यहाँ पर धीरे धीरे जो हमारा बैटर है वो बनकर तैयार हो चुका है. अब हम इसे ढककर रख देते हैं 10 मिनट के लिए ताकि सूजी जो है वो अच्छी तरह से फूल जाए. 10 मिनट हमारे हो चुके हैं, चलिए चेक करते हैं हमारा बैटर कैसा है. यहाँ पर मेरा बैटर जो है वो थोड़ा सा थिक लग रहा है मुझे, क्योंकि सूजी जो है वो फूल गई है. अगर थिक लग रहा है तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर पानी ऐड करूँगी ताकि बैटर जो है वो परफेक्ट कंसिस्टेंसी में आ जाए. तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया. यहाँ पर टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है वो आप यहाँ नमक ऐड कर दें. तो यहाँ पर मैंने नमक ऐड कर दिया और यहाँ पर मैंने आधा चम्मच जो है वो सोडा यूज़ किया है. खाने वाला सोडा ऑप्शनल है ये. एंड यहाँ पर मैं ऐड कर दूँगी जीरा, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा. अब यहाँ पर हम चॉप करें सारे जो है वो वेजीज करेंगे, प्याज, टोमेटो, गाजर. ठंडी में सब्जियाँ बहुत ही अच्छी मिलती है, तो बिल्कुल सब्जियों का फ़ायदा उठाएं, बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट बनाकर खाएं. यहाँ पर मैंने सारी सब्जियाँ जो है ऐड कर दी, शिमला मिर्च, धनिया. मिर्च को अभी मैं ऐड नहीं करूँगी, बाद में ऐड करूँगी. अगर बच्चे के लिए बना रहे हैं तो मिर्च को स्किप कर दें या बैटर को थोड़ा सा अलग से निकाल लें. तो यहाँ पर इसे मैंने अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लिया है और यहाँ पर मैं थोड़ा सा बैटर निकाल लूँगी, बिकॉज मुझे बेटे के लिए भी बनाना है अपने. तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा बैटर निकाल लिया. अब इस स्टेज में यहाँ पर मैं ऐड कर दूँगी अपने ग्रीन चिली. यहाँ पर ग्रीन चिली ऐड कर दी मैंने. एंड अब यहाँ पर मैं ऐड कर दूँगी, यहाँ पर 2 चम्मच जो है मैंने लाल मिर्च का पाउडर ऐड किया है. आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं. इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दें और ये हमारा बैटर जो है वो पूरी तरह से तैयार हो चुका है. भरपूर सब्जियां हैं तो बहुत ही हेल्दी बनने वाला है. यहाँ पर मैंने ले लिया है अप्पम पैन. तो अप्पम पैन में आज हम सूजी के अप्पे बनाने जा रहे हैं. यहाँ पर इतना ही क्वांटिटी में जितना मैं ऑयल डाल रही हूँ ना, इतना ही इनफ है. एक बूंदी ऑयल से आप अप्पम बना सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर हम दोबारा डालेंगे, बट बहुत ही कम ऑयल में जो है वो ब्रेकफास्ट बनके तैयार हो जाता है हमारा. यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ मस्टर्ड सीड, इससे इसका जो फ्लेवर भी अच्छा आएगा और लुक वाइज भी ये बहुत ही अच्छा लगेगा. तो यहाँ पर मस्टर्ड सीड ऐड कर दिए मैंने. अब यहाँ पर सारे बैटर को हम इस अप्पम पैन में ऐड कर देंगे इस तरह से, और एक बार में ये 12 अप्पम जो है वो बनके तैयार हो जाते हैं. और ये पूरे पैन को मैं यहाँ पर कवर करके रख दूँगी. 1 से 2 मिनट के बाद हम चेक करते हैं यहाँ पर. तो देख लीजिए बबल्स उठ रहे हैं यहाँ पर, तो इसका मतलब ये अच्छी तरह से एक साइड जो है वो पक रहा है. इसे पकने देंगे अभी हम, और अभी इसे हम यहाँ पर फिर से ढककर रख देंगे ताकि अच्छी तरह से एक साइड कुक हो जाए. चलिए 1 से 2 मिनट के बाद फिर हम चेक कर लेते हैं. तो यहाँ पर जो अप्पम का जो कलर है वो पूरी तरह से चेंज हो चुका है. वाओ, पलटने के बाद देख लिए आप, कलर देख लीजिए कितना अच्छा कलर बनकर आया है. इसे सारे अप्पे पलट लेंगे और एक एक बूंदी ना हम दोबारा जो है वो तेल डालेंगे ताकि दूसरी साइड से भी अच्छी तरह से क्रिस्पी सिक जाए. और चलिए चेक कर लेते हैं. तो दूसरी साइड भी अच्छी तरह से कुक हो चुके हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं. वाओ, ये बहुत ही यम और बहुत ही डिलीशियस रेसिपी है और बहुत ही टेस्टी लगती है. तो ये देख लीजिए आप, मैं यहाँ पर जूम किया है मैंने, कितना अच्छा कलर आया है. और तोड़कर बताती हूँ आपको, अंदर से बहुत ही सॉफ्ट है ये और बाहर से आपको एकदम क्रिस्पी दिख रहे होंगे. तो चलिए इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं. बहुत ही झटपट बन जाती है. यहाँ पर मैंने सॉस के साथ इसे सर्व किया है. आप मेयोनीज के साथ, आप ग्रीन चटनी, जिसके साथ आपको अच्छा लगे आप इसे सर्व कर सकते हैं और खा सकते हैं नाश्ते में. बहुत ही अच्छा होता है. वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करिएगा. चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा और बाजू में बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे चैनल के सारे अपडेट नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए. तो जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक ले चिल देन, टेक केयर, बाय बाय.